हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स नॉट एवरी न्यूज इज रेलिवेंट फॉर यूपीएससी प्रेपरेशन हाई माई नेम इज़ रोहित घर एंड आई एम हेयर टू ब्रिंग यू ट्वेंटी फाइव ईयर एक्सपीरियंस ऑफ अभिमन यू आई ई एस विच हेज गिटी टू हंड्रेड सेलेक्शन सिंस नाइनटीन नाइनटी नाइन दिस इज अ सेवन मिनट करंट अफेयर सीरीज कॉल्ड टू द पॉइंट जिद से जीत तक हाई वन बच्चे आज का जो हमारा टॉपिक है ये इन्वायरमेंट इकोलॉजी से रिलेटेड एक टॉपिक है प्लस एक पर्टिकुलर स्पीशीज की कंजर्वेशन से रिलेटेड भी ये टॉपिक है और यूपीएससी जो है वो इस टाइप के टॉपिक्स को डेफिनेटली उठाता है आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज अबाउट अ स्पीशीज जिसको अभी रिसेंटली मतलब ज्यादा टाइम नहीं हुआ है एंडेंजर्ड से वल्नलेबल में कन्वर्ट किया गया है उसका जो आई यू स्टेटस है उसको एंडेंजर्ड से के अंदर शिफ्ट किया था बहुत रिसेंटली और इसके ऊपर बहुत सारे एग्जाम्स के अंदर सवाल ऑलरेडी आ भी चुका है राइट बस ये स्टेटस के ऊपर ही आया था कि कौन सा ऐसा जानवर है जिसको एंडेंजर्ड uh, से के अंदर अंदर ट्रांसफर इस टाइप का सवाल उसके आया था रिसेंटली सेम टॉपिक के अंदर बच्चे एक और डेवलपमेंट हुई है किर्गिस रिपब्लिक जिसको हम किर्गिस्तान भी के नाम से भी जानते हैं मोर पॉपुलरली तो प्रेसिडेंट ऑफ किर्गिस्तान ने अनाउंस किया दैट द नेशनल सिम्बल ऑफ किर्गिस्तान स्नो स्नो लेपर्ड लेपर्ड दिस इज द द फेलो बाय वे सो को किर्गिस्तान का नेशनल सिंबल घोषित कर दिया गया है तो अगर आप पीसीएस वगैरह की तैयारी कर रहे हैं पीसीएस एस की HAS की या एचपीएस हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज या फिर आपका हरियाणा सिविल सर्विसेज या फिर आपका अगर पंजाब पीपीएससी का पेपर दे रहे हो तो उनके अंदर ये सवाल डायरेक्टली आ सकता है कि स्नो लेपर्ड को रिसेंटली कौन से देश ने अपना नेशनल सिंबल घोषित कर दिया है राइट देन आंसर विल भी किर्गिस्तान प्लस साइड नोट के लिए जो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं बच्चे आप लोग ना किर्गिस्तान को बहुत ढंग से प्रिपेयर कर लेना ढंग uh, से प्रिपेयर करने का मतलब कि इसकी नेबरिंग कंट्रीज कौन सी हैं यहाँ पे मेन माउंटेन चेन मेन रिवर मेन लेक्स राइट इस टाइप की जितनी भी आपकी इन्फॉर्मेशन है किर्गिस्तान से रिलेटेड वो आप जो है पूरी जरूर देख लेना लास्ट ईयर यूक्रेन के बॉर्डरिंग कंट्रीज का सवाल आया था तो पॉसिबल है कि इस बार किर्गिस्तान का आए क्योंकि बार बार न्यूज में आ रहा है किर्गिस्तान आइए बच्चे ठीक है किस प्रोग्राम के बिच इज प्रोटेक्टेड बाय द ग्लोबल स्नो लेपर्ड एंड इकोसिस्टम प्रोटेक्शन प्रोग्राम जो कि इसके अंदर भी प्रोटेक्टेड स्पीशीज एक है राइट जीएसएल ईपी इसके बारे में भी हम डिटेल में देखेंगे आगे चल के राइट right? और किर्गिस्तान के लिए जो ये पर्टिकुलर स्पीशीज है जो पर्टिकुलर एनिमल है इट होल्ड हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस इन किर्गिज कल्चर फीचरिंग इन द स्टोरी ऑफ मानस यहां से भी सवाल उठ सकता है आपका कि एक पॉपुलर फोक है जिसके अंदर एक करेक्टर है मानस की स्टोरी है वो कौन सी कंट्री से है या करेक्टर का नाम या कुछ इस टाइप का सवाल इसके अराउंड घूम के आपको आ सकता है जो कि टफ माना जाएगा इनकेस अगर वो आता है ट right? uh, इसके बाद हम आगे चलते हैं बच्चे थोड़ा सा स्नो लेपर्ड के बारे में और जानते हैं हम अबाउट स्नो लेपर्ड हैबिटेट वगैरह बेसिक इन्फॉर्मेशन है बच्चे अगर आप रोक कर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप ले सकते हो राइट right? मैं थोड़ा सा थोड़ा सा सा इसको आगे तेज से मैं बता देता हूँ आपको माउंटेनियस रीजन में पाया जाता है ऑफ सेंट्रल एंड सदर्न एशिया अभी मैं आपको एक मैप भी दिखाऊंगा जिससे आपको आइडिया लगेगा कि इसकी रेंज कितनी है ना उसको रेंज कंट्रीज भी बोलते हैं बाय द वे जहां जहां पे ये फ्रीली घूम सकते हैं वेस्टर्न एंड ईस्टर्न हिमालयस बेसिकली दोनों तरफ के हिमालयस आपके इंडिया में इसकी जो रेंज है इट इज वेस्टर्न हिमालय जिसमें जेके हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड एंड ईस्टर्न हिमालय स्पेशली सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश राइट तो वहां पे आपको जो है, इसकी रेंज दिखाई देती है वहां पे जो है ये पर्टिकुलर एनिमल जो है वहां पे पाया जाता है बच्चे जैसे मैंने आपको बताया कंजर्वेशन चेंज हुआ है रिसेंटली एंडेंजर्ड से वलनरेबल में आ गया बच्चे अपेंडिक्स वन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट नाइनटीन सेवन टू शेड्यूलस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन बाई द वे बच्चे एक वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट आ चुका है जिसके अंदर शेड्यूल सिर्फ चार रह गए हैं मुझे एक बार कॉमेंट में आप जरूर लिख के बताइए कि उस अमेंडमेंट एक्ट के कौन से शेड्यूल के अंदर ये होगा आप गैस भी कर सकते हैं राइट right? क्योंकि साइट्स के अपेंडिक्स वन के अंदर अगर ये है दैट मीन्स वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट अमेंडमेंट एक्ट के ये कौन से शेड्यूल में होगा मुझे एक बार कॉमेंट्स में लिख के बताइए बच्चे एक बार ही लुक एट दिस ये जो ब्लू वाला पोर्शन है बच्चे दैट इज द रेंज ऑफ स्नो लेपर्ड राइट दिस इज इंडिया बाय द वे हेयर राइट और ये आपकी ये वो पांचों नदियां है ना और ये इसकी पूरी रेंज है बच्चे अगर आप देखेंगे तो काफी ज्यादा रेंज है ये सारी इसकी रेंज कंट्रीज के अंदर में आती है ये पर्टिकुलर कंट्रीज uh, जितनी भी इसके अंदर फॉल कर रही हैं इंडिया के कंजर्वेशन एफर्ट क्या रहे हैं बच्चे एक बार ही लुक एट दिस राइट आई वुड सजेस्ट यू कि यू टेक अ स्क्रीन शॉट और इसके एक एक प्रोग्राम को आप ढंग से पढ़ना हालांकि मैं दो आपके लिए लेके भी आया हूं जीएसएलईपी ये मैं आपके लिए लेके आया हूं आज और एक 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 और है वो देखते हैं अभी अगर टाइम बचा तो इस वीडियो में दिखाऊंगा मैं आपको आप एक बार इसका स्क्रीन ले लीजिए बच्चे आइए बच्चे ग्लोबल स्नो लेपर्ड एंड इकोसिस्टम प्रोटेक्शन प्रोग्राम जी ये बच्चे इंपॉर्टेंट है ये हो सकता है आपके एग्जाम में इस बार आ जाए राइट right? इट इज एन अलायंस ऑफ 12 स्नो लेपर्ड रेंज कंट्रीज रेंज कंट्रीज वो होती हैं जहां पे ये फ्रीली घूम सकते हैं कौन कौन सी 12 कंट्रीज है बच्चे उसकी लिस्ट यहां पे मैंने आपको दे रखी है अफगानिस्तान भूटान चाइना इंडिया कजाकिस्तान किर्गिस्तान और किर्गिज रिपब्लिक मंगोलिया नेपाल पाकिस्तान रशिया तजिकिस्तान एंड उजबेकिस्तान राइट वही जो आपको पिछले मैप के अंदर देखने को मिला था वही कंट्रीज का नाम है इसके अंदर और कुछ नहीं है राइट <coughs> Again, इसको जो डेक्लेन है उसको हम बिशकेक डेक्लेन के नाम से भी जानते हैं 2013 का एक प्लेज कंट्रीज टू इंश्योर दैलबिंग ऑफर्ट ठीक है कि जो ये आपका बिशकेक डेक्लेन है राइट ये किससे रिलेटेड है ना इयर वियर आपका जो हो सकता है कि हिमाचल प्रदेश सर्विस वाले जो है वो पूछ ले कौन से ईयर में आया था या मैच द फॉलोइंग के अंदर बाकी एग्जाम में देखने को मिल जाए राइट और डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि किनसे रिलेटेड है राइट and uh, that is all for today thank you so much thanks for watching the video this 7 minute to the point series is specially designed for your prelims examination if you wish to cover your current affairs holistically for your mains as well as for your interview please check out abhimanyu ias current affairs master course 2024 it is based on trishul model you will be getting three things number one weekly classes number 2 weekly pdfs of current affairs number 3 weekly tests on current affairs the link to join the course is given in the description below zid se jeet tak and if you are ziddi enough subscribe for regular updates this tailor made current affairs master course is enough for your preparation of current affairs for upsc civil service examination 2024